हेलो गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये चीप 4K एक्शन कैमरा, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, और इसी के साथ में आपको इसका वीडियो टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। एंड आखिर में हम लोग बात करेंगे कि आपको ये एक्शन कैमरा परचेज करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, एंड एज ऑलवेज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलता है हमें हमारी एक्शन कैमरा का, और इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले बॉक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग में 4K स्पोर्ट्स लिखा मिल जाएगा अल्ट्रा HD। उसी के साथ ये 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, और बॉक्स के ऊपर सामने वाली साइड पे आपको इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर, मैक्सिमम आप 4K 30fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, 64GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये, 170 डिग्री आपको एक वाइड एंगल व्यू मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और आपको ऑलमोस्ट GoPro वाला इफेक्ट मिल जाता है अगर आप इस एक्शन कैमरा को यूज़ करेंगे। वाईफाई सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आपको जो वीडियो फॉर्मेट मिलता है वो है H.264। अब इसके लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर कुछ QR कोड्स मिलते हैं जो कि इसके एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशंस के लिए, अब इसको आप इनको स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे वाली साइड पे आपको इसके कुछ और भी फीचर्स मिल जाते हैं, और अगर आपको मैं डिटेल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक 16 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर हमें मिलता है इसमें। उसी के साथ अगर आप इमेज रेजोल्यूशन देखें तो आप 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8, 5 एंड 2 मेगापिक्सल में फोटोज शूट कर सकते हैं। वीडियोज़ आप मैक्सिमम 4K 30fps तक की रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक 900mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है इस एक्शन कैमरा में, और टोटल वेट जो इस कैमरा का है वो है अराउंड 58 ग्राम्स। अब उसी के साथ इसमें आपको कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपको मिलता है एक वाटरप्रूफ केस, एक वाटरप्रूफ केस ब्रैकेट, वाटरप्रूफ केस क्लिप, बाइक ब्रैकेट आपको मिलता है, मल्टी फंक्शन क्लिप, कैमरा क्लिप, हेलमेट सीट, बैंडेजेस, क्लीनिंग क्लॉथ, पावर अडैप्टर, 3M स्टिकर्स, USB केबल, ब्रैकेट अडैप्टर और एक मैनुअल। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको इसके कुछ एक्सेसरीज की पिक्चर्स भी मिल जाती हैं राइट साइड पे, तो इसको निकालते हैं बॉक्स से, मिल रही है आपको इसके साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एक्शन कैमरा जो कि आपको एक वाटरप्रूफ केस में मिलता है, तो अभी के लिए इसको साइड पे रखते हैं। बाकी एक्सेसरीज को चेकआउट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको मैंने इनके नाम बता दिए तो मुझे भी याद नहीं है कि ये क्या चीज़ हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज मिलती हैं। कुछ जिप टाइप्स आपको मिलते हैं, 3M आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है, और आप देख सकते हैं कुछ आपको हेलमेट एक्सेसरीज मिल जाती हैं जिससे आप इसको हेलमेट या बाइक से अपने कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको एक USB केबल मिल जाती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस टाइप के केस में आपको मिलता है एक्शन कैमरा, और काफ़ी अच्छा सा प्रोटेक्टिव केस है ये, जिससे जो है आपको पानी का कोई ख़तरा नहीं होगा अगर आप इसको पानी में यूज़ करेंगे। तो निकालते हैं इसको, और ये रहा हमारे पास एक्शन कैमरा। सामने की तरफ आपको 4K अल्ट्रा HD लिखा मिल जाता है। वाईफाई यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का जो है बटन मिल जाता है, जिससे आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। ये सामने की तरफ आपको सेंसर मिल जाता है। टॉप साइड पे आपको ओके का बटन मिल जाता है, और आपको कुछ इस टाइप का टेक्सचर मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट चार्जिंग के लिए, और एक HDMI यहाँ पर आपको आउटपुट पोर्ट मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे आपको एक स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप जो है बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले से बैटरी इंसर्ट कर रखी है, और आप देख सकते हैं ये एक 900mAh की बैटरी है। राइट साइड पर आपको कुछ नेविगेशन बटन मिल जाती हैं जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं, और इसी के साथ अगर आप टॉप वाले बटन को होल्ड करेंगे तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं इस कैमरा को। तो इसको चार्ज करते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो गाइस हमारी एक्शन कैमरा चार्ज हो गई है, और यहाँ पर इसमें मैंने एक SD कार्ड भी इंसर्ट कर दिया है। तो इसको ऑन करने से पहले इसके डिज़ाइन के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब कैमरा का ओवरव्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको ये मैट टेक्सचर मिलता है जिससे इसको काफ़ी प्रीमियम लुक मिलती है, और इसके बटन्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और क्लिकी हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको साइड्स पे कुछ इस टाइप का टेक्सचर मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं जिससे आपको बैटरी की इंडिकेशन के बारे में पता चल जाता है, और फ्रंट पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है। अब यहाँ पर ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि इस कैमरा का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता ये। तो इसको ऑन करते हैं। अब ऑन करने के लिए आपने ये बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप इसको ऑन करते हैं आपको ये ऑटोमेटिकली वीडियो मोड में ले जाएगा, और आप एंगल देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड आपको इसमें एंगल मिलता है।
अब आप ये वाला बटन प्रेस करके अपना मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली फ़ोटो मोड में स्विच हो जाएंगे। टॉप साइड पर आपको बैटरी इंडिकेशन मिलती है और आप देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ ये कैप्चर कर सकता है। ऑलमोस्ट 2000 फोटोज़ में कैप्चर कर सकता हूँ। ये 8GB का मेमोरी कार्ड है मेरे पास। फोटो के बाद हमें ये वाला मोड मिल जाता है जिससे हमने जितनी भी वीडियोज़ कैप्चर की हैं उनको हम प्लेबैक कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है सेटिंग्स का मोड जिसमें आपको सारी बेसिक सेटिंग्स मिल जाती हैं और नेविगेशन के लिए आप ये वाले बटन्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है रेजोल्यूशन का। अगर इसको हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K 2K 1080p एंड 720p पे आप शूट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको कोई भी 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता। एक्सपोजर, मोशन डिटेक्शन, साइक्लिक रिकॉर्ड, वीडियो लैप्स, WDR, रिकॉर्ड ऑडियो, डेट स्टैम्प। अब इसको हम लोग ऑफ करते हैं। इमेज साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मैक्सिमम 16 मेगापिक्सल तक इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये सब सेटिंग्स दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूंगा, तो बाहर जाके इस कैमरा का एक वीडियो टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग इसका टाइम लैप्स रिकॉर्ड करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक अंडर वाटर टेस्ट भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग इसके कुछ एक्सेसरीज़ यूज़ करेंगे जो बॉक्स में हमें मिलती हैं। तो हमारे पास है ये वाटर प्रूफ केस, उसी के साथ मेरे पास पड़ा है ये एक छोटा सा ट्राईपॉड और एक माउंट जिससे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इस ट्राईपॉड से। तो इन एक्सेसरीज़ को यूज़ करके मैं ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मिलते हैं उसके बाद। ओके, तो ये रहा हमारे पास एक्शन कैमरा। कुछ इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया अपने ट्राईपॉड से और इसका अभी हम लोग एक वीडियो टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज़ मैं वापस घर आ गया हूँ और कैमरा को हमने इस वाटरप्रूफ केस में डाल दिया है। और यहाँ पर हमारे पास है पानी, इसमें हम लोग कैमरा को टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम अपने कैमरा को डालेंगे। रिकॉर्डिंग को पहले स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी इसको डालते हैं पानी के अंदर। और गाइस अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। और आपने इस कैमरा का वीडियो और ऑडियो टेस्ट देख लिया है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि शुड यू बाय दिस और नॉट। सो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली नो। आपको ये कैमरा बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंपली आप अपने 4 से 5 हज़ार रुपये वेस्ट करेंगे। एंड उससे अच्छा आप थोड़े से और पैसे बचा के 15 से 20 हज़ार वाला कोई फ़ोन परचेज़ कर लें एंड आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी इसके कंपेरिजन में। अब कहने को तो यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है लेकिन ये सिर्फ एक गिमिक है। एक्चुअली ये 480p या 240p पे आपकी जो है वीडियोस रिकॉर्ड करता है और इसको जो है अपस्केल करता है
एंड आपने ये चीज़ अपने जो है वीडियो क्वालिटी में देख ली। अब काफ़ी सारे बिगिनर्स अभी फीचर्स देखते हैं कि इस कैमरा में आपको 4K का सपोर्ट मिल रहा है, 60 FPS वीडियोस आप शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और इवन अंडर वाटर वीडियोज़ आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑल अंडर 5000। तो वो समझते हैं कि इसमें आपको GoPro जैसी क्वालिटी मिलेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। GoPro काफ़ी हाई क्वालिटी की वीडियोज़ कैप्चर करता है एंड दिस कैमरा, अगर आपको इसको एज अ शोपीस परचेज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट रिकमेंड इट फॉर फोटोज़ और वीडियोज़। और आपको ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो चीप प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट मिल रहा है, हाई क्वालिटी स्पीड्स मिल रही हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सारी फेक प्रोडक्ट्स होती हैं और सिर्फ एक गिमिक होता है ये। तो होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।